रोहतास जिले के तिलोथू प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय पतलुका में एक ऐसा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जहां पर प्रवासी मजदूर झूमते नजर आते हैं। इस सेंटर में ठहरे हुए दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को स्वस्थ रहने और तनाव से मुक्ति को लेकर योग सिखाया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश के बाद दूसरे राज्यों से आए हुए प्रवासी मजदूरों को इस क्वारंटाइन सेंटर में सुबह में स्वस्थ रहने और तनाव से मुक्त रहने के लिए योग सिखाया जाता है। यह योग संगीत के माध्यम से सिखाया जाता है जिससे इन मजदूरों का स्वास्थ्य तंदुरुस्त रह सके। प्रधानाध्यापक ने बताया कि इन सभी मजदूरों को विभिन्न तरह के योगासन बताया जाता है। जिस तरह से हाथ धोना, मास्क लगाना अनिवार्य है, उसी तरह से कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए योग भी अहम योगदान निभा सकता है। यहाँ तक कि योग से आत्मविश्वास बढ़ता है और तरह तरह के रोगों से मुक्ति भी मिलती है। सेंटर मध्य विद्यालय पतलुका प्रखंड तिलोथू जिला रोहतास, मैं अनिल कुमार सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक। यहाँ पर उपस्थित 82 लोगों में 4 महिला और 8 बच्चे हैं। यहाँ सुबह में नाश्ता में चना और गुड़ दिया जाता है और भोजन में दाल भात सब्जी दिया जाता है। सब्जी उनके मन के अनुरूप होता है, जो कहते हैं वैसा सब्जी यहाँ बनता है। यहाँ उपस्थित जितने भी मजदूर हैं वे लोग सुबह में योगा करते हैं। योगा के लिए ये जो मजदूर जो हैं इन्हीं में से चयनित किया गया है, एक योगा आचार्य हैं और ये योगा कराते हैं। संगीत का भी कार्यक्रम होता है, एक संगीत वाले भी हैं। सुबह में संगीत भी होता है और योगा भी होता है। शाम में जो है ये लोग जितने भी मजदूर हैं ये लोग कहते हैं कि सरकार जब हमें फ्री में खाना खिलाती है तो हम लोग का भी उत्तरदायित्व होता है कि हम लोग भी इस देश के लिए कुछ करें। और ये लोग जो हैं खेतीबाड़ी के रूप में ये सब्जी लगाते हैं, पूरा खेत कोड़ते हैं और पूरा परिश्रम के साथ विद्यालय को साफ सफाई करते हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें खेलने के लिए फुटबॉल दिया गया है और साथ ही इनको पाव रोटी ये भी दिया जाता है। सारे जितने भी यहाँ श्रमिक हैं उनको दूध दिया जाता है। हेडमास्टर वो बहुत मस्त है, वो कोरोना के भेदभाव नहीं रखते हैं और प्रवासी मजदूर से नहीं कि व्यवहार अच्छा तरह करते हैं और बच्चों से बहुत उनका प्यार है। बच्चों के लिए बॉल ला कर दिए हैं और यहाँ पर खाना पीने के लिए कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग का 14 दिन का क्वारंटीन था, मन भी लग गया है। यहाँ पर सुबह सुबह योगा होता है और हम लोग को दूध भी मिलता है यहाँ पर। और क्वारंटाइन सेंटर के जगहों पे ऐसा आपको क्या महसूस हो रहा है? हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और उनकी जगह यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था की गई है हम लोग को। खासकर यहाँ के स्कूल का प्रभारी हैं, फिर मास्टर को तो और हम लोग को मन लगा चुके हैं क्योंकि वो डरते नहीं है कोरोना से। सब रब्बा दिल में पोता रहता,
से करो हवा हवा 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 से करो हवा हवा